तो हमने क्या किए थे, लॉजिकल फॉर्मूले कर लिए थे, ठीक है जी। नेक्स्ट आपको मैं कुछ टेक्स्ट के फॉर्मूले दिखाता हूँ, टेक्स्ट के कैसे यूज होते हैं, कहाँ कहाँ यूज होंगे इनका। हर एक सेगमेंट के अलग अलग टाइप है यहाँ पे, जैसे फाइनेंशियल है, लॉजिकल है, टेक्स्ट है, डेट टाइम है, लुकअप एंड रेफरेंसेज है, मैथमेटिक्स है, और मोर फंक्शन में स्टैटिकल, इंजीनियरिंग क्यूब इंफॉर्मेशन, बहुत सारे फंक्शन। तो आज हम जो करने वाले हैं वो है टेक्स्ट फंक्शन। टेक्स्ट फंक्शन टेक्स्ट की मैनिपुलेशन के लिए होते हैं हमारे पास, ठीक है जी। सबसे पहला जो फंक्शन है टेक्स्ट का वो है भाट टेक्स्ट। हालांकि इसका कोई यूज नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ, नॉलेज होनी चाहिए इसकी। जिस तरह हम नंबर टू वर्ड कन्वर्जन करते हैं ना, इसी तरह ये भाट टेक्स्ट, भाट जो है करेंसी है थाईलैंड की, ठीक है जी। तो थाईलैंड की करेंसी को ये नंबर टू वर्ड करता है, ठीक है जी। पर चक्कर क्या, ये थाई लैंग्वेज में करता है, अपनी समझ से परे है। ये मुझे पता पड़ी कि मैंने इसको जब गूगल ट्रांसलेट पे डाला तो इसने मुझे हिंदी करके दिखा, वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दिखा दी थी, ठीक है। तो पहली चीज ये देखेंगे कि हम कोई भी फॉर्मूला जो हमने किया, ठीक है जी, जब भी मैं टाइप कर रहा हूँ, जैसे ही ये जो लाइन है जो मेरी हाईलाइटेड दिखाती है यहाँ पे, जैसे ही टैब प्रेस करता हूँ ना, तो वो फॉर्मूला मेरा पूरा होके एक ब्रैकेट ओपन तक आ जाता है, खाली एक टैब प्रेस करने से, ठीक है जी। तो पूरा फॉर्मूला कई बार टाइप करने की जरूरत नहीं, लिस्ट में आ गया तो वैसे ही आ जाता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे सिलेक्शन लिया, नंबर मांग रहा है, मैंने दे दिया यहाँ पे कोई नंबर। कई बार हमें ब्रैकेट क्लोज करने की भी जरूरत नहीं होती, एंटर करेंगे चल जाएगा, ये अपने आप लग जाएगा वो ब्रैकेट, ठीक है जी। एफएक्स का बटन दबाएंगे तो ये फंक्शन खुला आ जाएगा, जिसमें इसकी जो आपने सिलेक्ट कर रखा होगा उसकी थोड़ी सी डिटेल बताएगा। नंबर इज ए नंबर दैट यू वांट टू कन्वर्ट, ठीक है जी। यहाँ रिजल्ट दिखा रहा है, यहाँ वैल्यू, यहाँ पे भी नहीं समझ आता है तो यहाँ से, अगर नहीं इसके डिस्क्रिप्शन आपको काफी पढ़ गई तो हेल्प ऑन दिस फंक्शन है, इस पर जब क्लिक करेंगे तो इस फंक्शन से रिलेटेड हेल्प फाइल खुल जाएगी, और इसके अंदर आपका इसकी डिटेल होगी, एक आधा एग्जाम्पल होगा, ठीक है जी। जैसे ये दिखा रहा है 1 2 3 4, रिप्लेस द नंबर इन टेक्स्ट 1234 भाट इन थाई टेक्स्ट, थाई लैंग्वेज में दिखा। कोई भी फॉर्मूला हम ऐसे ही ट्रैक करेंगे, ठीक है। दूसरा, कैलकुलेशन के लिए मैंने बताया था कि वैल्यूएट फॉर्मूला है, वैल्यूएट करेंगे तो इसके स्टेप बाय स्टेप आपको ये रिजल्ट तक ले जाएगा, तो चेक कर सकते हैं, ठीक है जी। तो बाहर टेक्स्ट के बारे में बताया मैंने, अभी इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास दो चीजें हैं यहाँ पे, कैर का फॉर्मूला है और कोड का फॉर्मूला है, आपस में ये कनेक्टेड है फॉर्मूले। कोड क्या करता है, जैसे मैं ए बी कोई भी स्ट्रिंग लेता हूँ, मतलब कोई भी करेक्टर लेता हूँ, इनका एक कोड होता है, वो मुझे कोड का फॉर्मूला देता है, ठीक है जी। इसको कहते हैं आस्काई कोड। तो इनके आपको आस्काई कोड दिखा रहा है, मान लीजिए अगर ये स्मॉल ए के लिए 97 है तो कैपिटल ए के लिए 65 है। प्रोग्रामिंग में इसका अच्छा खासा यूज है, ठीक है जी। एक छोटा सा सैंपल दिखाता हूँ कि अब कोड को कैरेक्टर में चेंज करने के लिए आपके पास कैर का फंक्शन है। तो यहां से चूज किया मैंने, कोड 97 सप्लाई कर दिया इसके अंदर, तो ये मुझे उसका कैरेक्टर दिखा रहा है, वाइस वर्सा, ठीक है जी। इस चार्ट को अगर आपने देखना हो तो आप गूगल में जाके सर्च कर सकते हैं आस्काई कैरेक्टर्स, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये इस तरह से है, ASCII। तो ये आस्काई टेबल दिखा रहा है, यहाँ आप देख सकते हैं ये टेबल, तो ये टेबल है,
जैसा कि मैंने दिखाया 97 पे जब आऊंगा यहाँ तो ये क्या है, स्मॉल ए दिखा रहे हैं, कैपिटल ए इसी तरह 65 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इसी तरह से सारी चीजें, खाली यही नहीं, इसमें बहुत सारी चीजें, स्पेस के लिए कौन सा 32 होता है कोड, ठीक है जी। ऑल्ट एंटर करते हैं हम, ऑल्ट एंटर, उसके लिए क्या है, जैसे न्यू लाइन फीड और न्यू लाइन के लिए क्या है, 10 कोड है। जैसे ऑल्ट एंटर करते हैं ना, सेम सेल में ही सेकेंड लाइन पर जाने के लिए ऑल्ट एंटर करते हैं, ठीक है जी। तो वो उसका कोड होता है 10। कैसे, यहाँ पे खाली मैं ऑल्ट एंटर करता हूँ और यहाँ पे मैं उसको कोड चार से देख लेता हूँ, मैं कोड से देख लेता हूँ कि क्या कोड है, कोड और उसमें मैंने इसका रेफरेंस दे दिया तो ये 10 दिखा रहा है, ठीक है। इसका दिखाऊंगा यूसेज कैसे करूँगा। टेम्परेरी यूसेज, इसमें देखने वाली बात क्या है कि कैपिटल ए का 65 है और स्मॉल ए का 97 है, तो मैं यहाँ कैपिटल लिखूं और यहाँ स्मॉल हो जाए तो क्या करूंगा, इसके कोड में मैं प्लस 32, 32 का डिफरेंस है कोड, अच्छा बाहर ही करूंगा, यहाँ बाहर कर देता हूँ प्लस 32। तो यहाँ मैं कैपिटल में लिख रहा हूँ, यहाँ स्मॉल में लिखा रहा हूँ, जो भी लिखूंगा कैपिटल में वो स्मॉल में लिखा रहा, ठीक है जी। तो अपर केस से लोअर केस कन्वर्जन का फॉर्मूला यही होता है, इंटरनली कोड क्या करते हैं वो ऐसे ही करते हैं। इसके लिए मेरे पास एक बार सवाल आया था कि मैं जी 1 2 3 4 जो है वो तो ड्रैग कर लेता हूँ, और इसको कैसे ड्रैग करेंगे अपना, तो इसके लिए मैंने इसी का फॉर्मूला का सहारा लिया था, मैंने यहाँ पे ए लिख दिया, फिर उसके बाद इसका क्या किया, कोड निकाल लिया, ठीक है जी, कोड निकाल लिया, कोड मेरे पास आ गया। अब ये कोड मैंने सप्लाई कर दिया कौन से फॉर्मूले में, कैर में, ठीक है जी, और यहाँ पे कर दिया प्लस 1, ठीक है जी। ये फॉर्मूला बना दिया मैंने सिंपल सा, तो बस जब मैंने इस फॉर्मूले को ड्रैग किया तो मेरा ABCD भी ड्रैग हो गया, ठीक है जी। दूसरा आप कस्टम लिस्ट ले सकते हैं, कस्टम लिस्ट में ABCD पहले ही फीड करना है फिर ड्रैग कर सकते हैं, ठीक है जी। तो कोड और कैर हम इस तरह से यूज करते हैं, आगे हम आगे आने वाले फंक्शनों में इसका और यूज देखेंगे अभी। इसके बाद देखते हैं अपने पास एक क्या होता है कि एक्सेल में अपना डेटा हम कई कई जगह से इम्पोर्ट करके लाते हैं, ERP सॉफ्टवेयर से लाएंगे और कई तरह से, कई बार क्या होता है एक्सपोर्ट करने में डेटा को कुछ ऐसे कैरेक्टर्स आ जाते हैं जो कि होते हैं पर दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है जी। तो जैसे कि मान लीजिए ये ऑल्ट एंटर ही है, मान लीजिए इस तरह का कैरेक्टर, नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर कहते हैं, इस तरह का एक कैरेक्टर आ गया, मैंने इसकी लेंथ का LEN का जो फॉर्मूला होता है वो लेंथ बताता है, मतलब कितने कैरेक्टर हैं, तो ये बता रहा है 13 कैरेक्टर है, ठीक है जी। अब मैं क्या करता हूँ, ऊपर वाले को क्लीन के फॉर्मूले के अंदर डाल देता हूँ, ठीक है जी। अब मैं सेम फॉर्मूले से चेक करता हूँ तो ये बता रहा है 12, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर जो है वो आपके क्लीन हो जाएंगे। ERP से एक्सपोर्ट में कई बार ये प्रॉब्लम होती है, डेटा आपका सही काम नहीं करता, उस जगह आप क्लीन को यूज करेंगे डेटा को क्लीन करने के लिए। आगे चलते हैं, कंकैटिनेट। सर कई दफा, हाँ जी सर, कई दफा ऐसा होता है कि हम लोग मतलब अगर कोई एक्सपोर्ट कर रहे हैं ERP सॉफ्टवेयर से डेटा, तो उसमें टेक्स्ट के साथ तो चले आ जाता है, वो एक छोटा सा क्वेश्चन मार्क टाइप, स्टार टाइप, इस तरह से आ जाता है, बिल्कुल आ जाता है, समझ गया वो क्या कह रहे हैं, वो जो है वो अक्सर वैल्यूज के साथ भी आ जाता है ना, नंबर आपने किया तो इस तरह से एरर आ जाता है। मगर इसमें ऐसा होता है कि जैसे स्टार्ट में भी जीरो आ रहे हैं ना, स्टार्ट में जी 6 जीरो आ रहे हैं,
उसके बाद आखिर में भी 6-0 आ रहे हैं और हमें दरमियान वाली वैल्यू चाहिए होती है। हाँ, तो उसी के लिए अभी आपको सॉल्यूशन में बता रहा हूँ, एक टेक्स्ट फॉर्मूला के खत्म होने पे आप हर तरह से कर पाएंगे इसको, ठीक है जी। बिल्कुल, टेक्स्ट से रिलेटेड कोई क्वेरी बचेगी नहीं आपकी उसके लिए। तो आगे का जो हम कर रहे थे, कौन सा फॉर्मूला देख रहे थे हम लोग? हाँ, कंकैटिनेट का। जिस तरह मैंने कंकैटिनेट का ऑपरेटर बताया था, उसी तरह से कंकैटिनेट का फॉर्मूला भी अपने पास। इसमें आपको बस कॉमा कॉमा करके वैल्यू देनी है, कॉमा करके पहला रेफरेंस फिर दूसरा रेफरेंस। ये क्या करेगा, एक ही सेल में जितने आप रेफरेंस देंगे उनकी वैल्यू पुट कर देगा। अब मान लीजिए मुझे बीच में स्पेस भी चाहिए, तो टेक्स्ट जब भी हम डालते हैं तो इन्वर्टेड कॉमा के बीच में डालते हैं, तो इन्वर्टेड कॉमा स्पेस इन्वर्टेड कॉमा फिर कॉमा, तो ये क्या हो गया, टेक्स्ट वन में H4 आ गया, टेक्स्ट टू में स्पेस आ गया, टेक्स्ट थ्री में I4 आ गया, तो बीच में स्पेस भी इंसर्ट हो गया, ठीक है जी। कुछ और लिखना है कुमार लिख देता हूँ मैं, आगे पीछे स्पेस कर दिया, ठीक है जी। तो इस तरह से मैनिपुलेट कर सकते हैं कंकैटिनेट फॉर्मूला से। देन आगे देखते हैं, बाकी कुछ ऐसे फॉर्मूला हैं जिनका कोई खास यूज नहीं है बट उसको देख लेते हैं फिर भी। मान लीजिए कुछ नंबर लिखे हो, एक हमारे पास है डॉलर का फंक्शन, मैं सिलेक्ट करेंगे नंबर और कितने डेसिमल प्लेसेस तक चाहिए वो दे देंगे, मैं कह देता हूँ 2 डेसिमल प्लेसेस तक चाहिए, ठीक है। तो क्या करेगा, डॉलर लगा देगा आगे और कोई यूज नहीं है इसका। इसी की तरह एक फंक्शन है फिक्स्ड, जिसमें नंबर और सेकेंड पैरामीटर है डेसिमल, 2 पोजीशन तक दे देता हूँ। और ये जो कॉमा है, कॉमा आपको ट्रू फॉल्स में देना पड़ेगा, नो कॉमा पूछ रहा है ना। ट्रू फॉल्स में क्या देना है, अगर आप यहाँ पे ट्रू दे देते हैं तो क्या करेगा, ये कॉमा का सेपरेटर नहीं लगाएगा, फॉल्स दे देते हैं तो कॉमा का सेपरेटर लगा देगा। मतलब 1000 में अगर वैल्यू है तो मैंने नो कॉमा पे ट्रू किया था तो कोई कॉमा नहीं दिखाया उसने, पर इधर इसको फॉल्स कर दूंगा तो कॉमा का सेपरेटर दे देगा, ठीक है। इसका कोई खास यूज नहीं है, ये नॉलेज के लिए बता दूं। उसके बाद बारी आती है अपर लोअर केस में बदलने की, केस कभी हमें चेंज करना हो तो यहाँ पे एक आपका फॉर्मूला है अपर। अपर का फॉर्मूला वैल्यू को अपर केस में चेंज कर देता है, लोअर का फॉर्मूला क्या है, आपकी वैल्यू को लोअर केस में चेंज कर देता है, ठीक है जी। प्रॉपर का फॉर्मूला है आपका जो टाइटल केस होता है उसमें चेंज कर देता है, मतलब हर एक वर्ड का पहला अक्षर बड़ा, इसमें सारे छोटे हो गए, इसमें सारे बड़े हो गए, ठीक है जी। अपर लोअर प्रॉपर, तो ये 3 फंक्शन मैंने आपको बताए इसके अंदर। देन उसके बाद हमारे पास रिप्लेस और सब्स्टिट्यूट का बता दो। मान लीजिए एक नाम लिखा है मैंने, अब इसमें मैंने क्या किया, जो आगे ए है इसको मुझे ओ से बदलना है या यू से बदलना है। मान लीजिए तो मेरे पास 2 फंक्शन है इस काम को करने के लिए, रिप्लेस और सब्स्टिट्यूट। पहले हम रिप्लेस को देखेंगे, रिप्लेस ओल्ड टेक्स्ट क्या है इसको सिलेक्ट कर लेंगे, फिर स्टार्ट नम, स्टार्ट नम का मतलब है कि कौन सी पोजीशन की वैल्यू चेंज करनी है, कौन सा कैरेक्टर, तो आगे से गिनेंगे 1 2, दूसरी पोजीशन पे है तो 2 दे देंगे, यहां से स्टार्ट करना। फिर पूछा है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, मतलब कितने कैरेक्टर चेंज करने हैं, अगर मैंने ए को बदल के यू लगाना है तो एक ही कैरेक्टर है तो 1 दे दूंगा, अगर मान लीजिए ए एन को बदल के कुछ लगाना होता मुझे तो मैं 2 कैरेक्टर दे देता है, ठीक है जी। तो मुझे एक ही चेंज करना है तो 1 दे दिया मैंने। देन किससे चेंज करना है, न्यू टेक्स्ट, तो मैं इन्वर्टेड कॉमा में देख देता हूँ यू, ठीक है जी। तो रिप्लेस ने अपना काम कर दिया, ठीक है जी। अब देखते हैं सब्स्टिट्यूट यही काम कैसे करता है, दोनों सेम काम करते हैं पर थोड़ी सी फंक्शनैलिटी अलग अलग है। इसमें क्या है, टेक्स्ट क्या है, ओल्ड टेक्स्ट क्या है, मतलब ओल्ड टेक्स्ट जो है हमारा ए है, ए, ठीक है जी।
उसकी जगह क्या आना है, यू आना है, ठीक है जी। तो ए को यू में चेंज कर दिया। बट इसमें एक और पैरामीटर होता है जिसको हम देखेंगे। मान लीजिए मुझे ई की जगह ए करना है, ई की जगह ए करना है, ई दो बार है। तो मैंने टेक्स्ट चूज किया, फिर ओल्ड टेक्स्ट मैंने लिख दिया ई है, न्यू टेक्स्ट जो है मैंने कहा ओ है या ए है, ए से चूज कर। तो अगर मैं इसको क्लोज कर देता हूं तो अभी क्या करेगा ये, दोनों ई को ए से चेंज कर देगा, ठीक है जी। इसमें जो चौथा पैरामीटर है, कमा करूंगा इंस्टांस नंबर। अब देखिए ये जो बड़े ब्रैकेट वाली वे जितनी भी वैल्यू आती है ना हर जगह, अगर वो बड़े ब्रैकेट में, इसका मतलब वो ऑप्शनल है, उसके बिना भी काम चल सकता है, ठीक है जी। मैं कॉमा डालता हूँ, इंस्टांस नंबर, इंस्टांस नंबर मतलब कौन सा वाला है, कौन सा वाला ई बदल के ए करना है। तो अगर आपको पहला ई बदलना है, मतलब शुरुआत से पहला बदलना है, तो पहला दे दीजिए, दूसरा बदलना है तो दूसरा दे दीजिए, ठीक है जी। अभी मैं दूसरा दे रहा हूं, तो ये दूसरे वाले ई को ए में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है जी। ये हो गया। और अगर उसको मुझे कुछ नहीं से किसी चीज से कन्वर्ट करना ही नहीं है, तो इसकी जगह मैं ब्लैंक दे सकता हूं, ठीक है जी, खाली इन्वर्टेड कॉमा, उसके बीच में कुछ नहीं, ठीक है जी। तो वो गायब ही हो गया। तो आप जब कह रहे हैं कि आगे चार जीरो पीछे चार जीरो है, तो रिप्लेस का भी कई हद तक यूज कर सकते हैं उसमें, अगर ऐसा है तो, ठीक है जी। बाकी आगे देखते हैं, क्राइटेरिया उसी हिसाब से बना सकते हैं। देन हमारे पास है एक ट्रिम का फंक्शन है। मान लीजिए कुछ मैंने लिखा, यहाँ स्पेस कर दिया, यहाँ पे मैंने लिखा हरीश स्पेस कुमार करके फिर स्पेस, ये मतलब फालतू के स्पेस आ गए, ठीक है जी। यहाँ मैं लेंथ चेक कर लेता हूँ इसकी कितनी है, 14 की लेंथ। तो हमारे पास एक ट्रिम का फॉर्मूला है जो कि व्हाइट स्पेसेस, ऐसे स्पेस को जो आगे या पीछे लगे होते हैं, उनको साफ कर देता है। कैसे पता पड़ेगा, लेंथ चेक कर लेता हूं, 12 हो गई, मतलब आगे का और पीछे का स्पेस गायब हो गया, ठीक है जी। और देखते हैं इसमें एक रिपीट का फंक्शन है हमारे पास, रिपीटी। रिपीटी का फंक्शन क्या करता है, किसी भी चीज को रिपीट करता है। जैसे मैंने आपको कस्टम नंबर फॉर्मेट में स्टार का यूज दिखाया था, अंडरस्कोर को रिपीट करा दें, उसी तरह से ये। तो मैं चलिए आपको ऐसा चार्ट दिखाता हूं जो कि वी लुकअप से हम कॉल कर सकते हैं, ठीक है जी। वो इसी फंक्शन से बनेगा, डैशबोर्ड का कॉन्सेप्ट है। तो रिपीटी फंक्शन कहाँ यूज होगा, मैं क्या करता हूं यहां पे कुछ वैल्यूज दे लेता हूं, यहां मैंने कुछ वैल्यूज दे ली। अब मैं क्या करूंगा, रिपीट का फंक्शन लगाऊंगा, और रिपीट क्या करना है, पहली चीज क्या करना है, तो मैं इसमें दे दूंगा पाइप। ये पाइप होता है आपका ब्लैक स्लैश के ऊपर होता है, ठीक है, शिफ्ट के साथ दबाएंगे जब उसको बैक स्लैश को, तो ये वाला साइन आएगा। अब कितनी बार रिपीट करना है वो यहां से चूज कर लेता हूं, ये उतनी बार रिपीट करेगा। तो एक चार्ट जैसा दिखाई दे रहा है ये, आपको एग्जैक्टली दिखाता हूं कि पाइप होता कहां है, तो फिर नहीं तो इसमें आप कंफ्यूज हो गए। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये बैक स्लैश एंटर के ऊपर, यहां ये यहां पे जो शिफ्ट दबा दूंगा तो मैं ये वाला साइन होता है पाइप का, ठीक है जी। इसका क्या करता हूं, फॉन्ट भी चेंज कर देता हूं। फॉन्ट मुझे कौन सा चाहिए, ब्रिटैनिक बोल्ड, उसमें क्या हो जाएगा, ये ब्रिटैनिक बोल्ड चूज कर लेता हूं। तो ये क्या हो गया, आपस में पाइप मिले जुले दिखाने लगा, ठीक है जी। अब मैं यहां से फॉन्ट कलर जैसे अगर चेंज कर लेता हूं, तो ये पूरी उसकी शक्ल ले लेता है,
चार्ट जैसा, ठीक है जी। क्या करता हूँ, देख रहा हूँ कि यहाँ चार्ट जो है थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, इसको छोटा करना है, वैल्यू ज्यादा, क्या करेंगे इसमें डिवाइड कर देंगे बस। ये जो वैल्यू है ना बी टू मैंने यहाँ से ले रखी है, मान लीजिए मुझे इसे 5 गुना छोटा करना है तो डिवाइड बाय 5 कर दूंगा, ठीक है जी, और इसको ड्रैग कर दूंगा तो 5 गुना छोटा हो गया ये चार्ट, ठीक है जी। वैल्यू आपकी बढ़ेगी तो ये आपका यहाँ पे भी चेंज दिखाएगा, ठीक है। तो एक तरह का चार्ट हो गया, ये चार्ट की तरह काम कर। अब आपको एक ही सेल में दो चार्ट दिखाता हूं, मान लीजिए दो वैल्यूज है, इस तरीके से मैं चाहता हूं ये वाली वैल्यू इससे पहले आए, तो फंक्शन तो यही रहेगा, कौन सा फंक्शन लगाएंगे हम साथ में, कंकैटिनेट वाला, इन दोनों फंक्शन में बीच में कंकैटिनेट लगा देंगे, ठीक है जी, और इसकी रेंज यहां सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है जी, इसको ड्रैग कर देता हूं। तो यहां तो अभी कोई चेंजिंग दिखा नहीं रहा है, इनको हमें तोड़ना पड़ेगा, अलग अलग करना पड़ेगा। पहले मैं तोड़ने लायक स्पेस बना लेता हूँ, इनको डबल कर लेता हूँ ताकि दो चार्ट तो कम से कम दिखाए, ठीक है। तो ये अब दो का स्पेस, अब मैंने क्या करना पड़ेगा, टेक्स्ट है, हमें पहली चीज ध्यान रखनी कि ये टेक्स्ट है। तो ऑल्ट एंटर के लिए मैंने क्या बताया था, कोड 10, तो कंकैटिनेट कर दीजिए कोड करके, हाँ कैर करके यहाँ पे उसके अंदर कोड दे दीजिए 10 और एंड लगा दीजिए, ठीक है जी। इसको मैं ड्रैग कर देता हूं नीचे तक, और जैसे ही रैप टेक्स्ट करेंगे, ऑल्ट एंटर तभी वर्क करता है जब आपका रैप टेक्स्ट किया हो आपने, तो ये आपको डबल का चार्ट दिखाने लगा, ठीक है जी, बार चार्ट टाइप में, एक ही सेल में दो दो आपके हो गए, ठीक है। अब ये बार चार्ट की तरह दिखा रहा है, आपको चाहिए कॉलम चार्ट की तरह दिखाए, तो इसको सिलेक्ट करके यहाँ फॉर्मेटिंग पे चले जाइए, अलाइनमेंट में जाके इसको 90 डिग्री पे घुमा दीजिए। अब ये 2-3 का दिखा रहा है क्योंकि जगह कम है, इसलिए वो नेक्स्ट में ट्रांसफर हो रहा है, थोड़ी सी अगर मैं इसकी जगह बढ़ा दूंगा, इसकी जगह ऐसा करके मैं थोड़ी थोड़ी बढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो ये अपना एक्चुअल चार्ट की तरह दिखा रहा है, जैसा कि होना चाहिए, ठीक है जी, हर एक सेल में एक चार्ट आ गया, ठीक है सर। अब मान लीजिए यहाँ पे मैं कोई इसकी आईडी लिख देता हूँ, जैसे C001, ऐसे करके मैंने इनको हर एक चार्ट को एक आईडी दे दी, ठीक है जी। तो कर देता हूँ आईडी Sales 1, Sales 2 और 4। मान लीजिए ये मुझे वी लुकअप से कॉल करना है, तो इसको आपको मैंने ऐसे ही कर लिया, चाहे करूं ना करूं, इसको क्या कर देता हूं, डेटा वैलिडेशन की लिस्ट तो आपको पता ही है, डाटा में जाकर डाटा वैलिडेशन लिस्ट, और यहां से मैं इसकी आईडी चूज कर लूंगा, आईडी चूज कर ली, मैनुअल भी डाल सकता हूं पर इससे ज्यादा मजा आएगा मुझे डालने में, ठीक है जी। अब सिंपल वी लुकअप लगाना है, वी लुकअप लगाने का तरीका मैं आपको बताऊंगा बाद में जब मैं लुकअप एंड रेफरेंसेस करेंगे उसमें। तो यहां से मैंने आईडी चूज की, यहां से मैंने डेटा चूज किया, और यहां मैंने कॉलम इंडेक्स दिया कि कौन से कॉलम की वैल्यू उठानी है, तो फिलहाल Sales 2 की उठाऊंगा, तो वो अगर मैं गिनूं अपने डाटा में तो 1, 2 दूसरे नंबर पे, तो 2 यहाँ दे दूंगा, और फिर 0 या फॉल्स ये हमेशा दिया जाता है ये पैटर्न में, इसमें एक चीज मुझे और करनी थी फिक्स।
यहाँ पे कॉलम इंडेक्स फिर से बदल दूं, तीसरे कॉलम की वैल्यू चाहिए यहाँ मुझे और यहाँ चाहिए चौथे कॉलम की वैल्यू। चौथे कॉलम में फॉर्मेटिंग भी चाहिए तो फॉर्मेट प्रिंटर से एक मिनट में ही हो जाएगी। बस मुझे क्या करना है, यहाँ से ये चूज करना है, उसका चार्ट मुझे दिखा रहा है। ठीक है जी, तो मतलब ये एक ऐसा चार्ट है जिसको वी लुकअप से कॉल किया जा सकता है। ठीक है जी, मैंने बस आपको ये फंक्शन समझाने के लिए दिखाया रिपीट वाला कि किस हद तक यूज कर सकते हो। ठीक है जी, तो इसी को आप लोग इसी चार्ट के अंदर दो से ज्यादा वैल्यूज लेके आ सकते हैं। हाँ, जैसे मैंने कोड 10 को करा दिया ना, तो ये कैर 10 दोबारा करके फिर कैर 10 कर दीजिए और फिर ये रिपीट का फॉर्मूला लगा दीजिए, वो वाला सेल रेफरेंस चूज कर लीजिए, 4, 5, 8, 10 जितने करने हैं उतने करने। और अगर सर हम लोगों को सेम ही चाहिए हो मगर वो ऑपोजिट पोजीशन पे चाहिए हो, कि अगर जो लेफ्ट वाले हैं वो उनका दूसरी तरफ मूव हो और दूसरे हैं उनका राइट साइड पे हो जाए, डेटा चेंज पॉसिबल है? डेटा चेंज कर दीजिए। अभी क्या है कि ये 37 का पहले दिखा रहा है, 75 का इधर दिखा रहा है। अब मैं ये वाला फंक्शन जो है इनकी लिंकिंग जो है आपस में चेंज कर दूंगा, जैसे B2 को मैं बदल दूंगा इससे C2 से, और जहां C2 है उसको मैं बदल दूंगा B2 से, तो ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। ठीक है जी, चेंज हो गए। अब ये पिक्चर नहीं सर, मेरा कहने का मकसद है कि वो मैंने एक एक जगह चार्ट देखा है जिसके अंदर वो ऐसा है कि चार्ट ऊपर की तरफ भी है और चार्ट सेम नीचे की तरफ भी है। अच्छा, सेम रिपीट वो चार्ट में देखेंगे सर, वो चार्ट का जो आप बता रहे हैं वो चार्ट, वो चार्ट में वो सेम पाइप्स में था मगर वो एक्चुअली फंक्शन को मुझे समझ नहीं आया। मैंने वो एक चीज चेक की थी, अगर मैं बनाने की कोशिश भी कर रहा था कि वो मुझे दिखाना, मुझे मैं बता दूंगा। ठीक है जी, चलें बता दूंगा कैसे होगा। अब देखते हैं मेन कुछ जो हमारा इसमें जो मुझे अभी मैंने आपको थोड़े हल्के फॉर्मूले बताए, इसमें अब आगे चलते हैं इसके जो मेन फॉर्मूले जो मैंने अभी तक रोक के रखे हैं एक टास्क के लिए। मान लीजिए यहाँ पे मैंने कुछ नाम डाले, ये नाम डाले मैंने। अब मेरी क्वेरी है, इसमें से मुझे फर्स्ट नेम चाहिए, मिडल नेम चाहिए और लास्ट नेम चाहिए। ठीक है जी, ये चीज चाहिए। कैसे निकालेंगे? पहला हमारे पास है फर्स्ट नेम निकालने के लेफ्ट का फॉर्मूला। लेफ्ट का फॉर्मूला क्या करता है, लेफ्ट से आपकी वैल्यू लेता है। ठीक है जी, तो मैं टेक्स्ट सिलेक्ट करूंगा, दूसरा कह रहा है नंबर ऑफ कैरेक्टर, मतलब कितने कैरेक्टर आपको लेफ्ट से चाहिए। तो 7 डिजिट का है तो मैं 7 यहां से ले लेता हूं, ले लिया। देन लास्ट नेम जो है वो राइट से, सेम इसी तरह काम करता है, राइट का फॉर्मूला है, टेक्स्ट चूज किया और राइट से कितने कैरेक्टर चाहिए, तो सिंह जो है 5 का है, कहा मैंने आ गया। ठीक है जी, लेफ्ट लेफ्ट से वैल्यू निकालने के लिए, राइट राइट से निकालने के लिए। अब मिडल है, मिडल से वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास है मिड का फॉर्मूला। मिड का फॉर्मूला मैं टेक्स्ट चूज किया और ये काम करता है स्टार्ट नंबर, स्टार्ट नंबर मतलब कहां से स्टार्ट करना है, तो इसे पोजिशन देनी होती है। तो 7 डिजिट का ये नाम है, फर्स्ट नेम है, फिर स्पेस जो है वो 8वें डिजिट हो जाती है, तो 9वें डिजिट से स्टार्ट है, 9 पे के स्टार्ट हो रहा, तो 9वें डिजिट से स्टार्ट है और फिर पूछता है कितने कैरेक्टर होते हैं, तो उसके बाद जो है KUMAR 5 कैरेक्टर है तो 5 कैरेक्टर डाल दिया, तो ये इसने उठा लिया। ठीक है जी, अब ये इसने उठा तो लिया, पर ये फॉर्मूला कुछ ऐसा है कि इसको हम ड्रैग करें तो हमारी वैल्यू की ऐसी की तैसी हो जाती है। ठीक है जी,
सबके लिए तो एप्लीकेबल हो नहीं सकता, तो हमें इस फॉर्मूले को थोड़ा सा डायनेमिक करना होगा। तो कैसे करेंगे, इसके लिए हमें कुछ चीजें चाहिए होंगी। पहला हमें चाहिए होगा, पहला नेम कैसे निकालेंगे, हमें चाहिए होगा स्पेस। इसमें पहली बार स्पेस कहाँ आ रहा है, ठीक है जी, तो इसको फर्स्ट स्पेस कर देंगे। देन दूसरी बार स्पेस कहाँ आ रहा है, तो सेकंड स्पेस। और टोटल लेंथ कितनी है ये भी रख लेते हैं, ठीक है जी। तो स्पेस निकालने के लिए हमारे पास फाइंड का फंक्शन, कि कौन सी पोजीशन है। फाइंड का फंक्शन क्या करता है, किसी भी टेक्स्ट को फाइंड करता है। तो फाइंड क्या करना है, इन्वर्टेड कॉमा मैंने स्पेस दिया, फिर कॉमा किस में फाइंड करना है, मैंने कहा इधर वाली वैल्यू में फाइंड करना है, ठीक है जी, विद इन टेक्स्ट में। एंटर कर दिया, इसने बता दिया सातवीं पोजीशन पे, ठीक है जी। नीचे करेंगे तो आपको कुछ और दिखाएगा, यहाँ पे भी सातवीं पोजीशन पे था, ऊपर देखेंगे तो वो आठवीं पोजीशन पे था, ठीक है जी। तो फर्स्ट स्पेस पे, अब सेकंड स्पेस निकालने के लिए क्या करना है, ये फाइंड का ही फॉर्मूला है, इसमें हमें स्पेस फाइंड करना है, विद इन टेक्स्ट उसी में फाइंड करना है। अब जो सेकंड स्पेस के लिए क्या करेगा, स्टार्ट नंबर ऑप्शनल है, देंगे नहीं देंगे तो वो पहला वाला ही दिखाएगा। अब स्टार्ट नंबर में क्या करना है कि सात डिजिट का तो फर्स्ट नेम हो गया, आठवीं डिजिट स्पेस हो गई। अगर मैं आठ यहां देता हूं स्टार्ट नंबर, तो आठवीं पे स्पेस मिल जाएगा उसे, तो स्पेस को ही मुझे बता देगा कि आठवीं पोजिशन पे। तो मुझे क्या देना पड़ेगा, एक स्पेस से आगे, तो मैं यानी कि इसमें प्लस वन कर दो, ठीक है जी। बता रहा है चौदहवीं पोजीशन पे, आगे देख लेते हैं, इस सब में अलग अलग बता रहा है, इसमें बता रहा है दसवीं पोजीशन पे, इसमें बता रहा है तेरहवीं पोजीशन पे। और टोटल लेंथ निकालने के लिए इनकी लेंथ का फॉर्मूला है, इसमें डाल दीजिए। तो ये कुछ नंबर चाहिए थे मुझे ऑटोमेट करने के लिए, ठीक है जी। अब नंबर मिल गए मुझे, तो स्टार्ट करते हैं कैसे। लेफ्ट का फॉर्मूला ले लिया मैंने, यहां से मैंने टेक्स्ट ले लिया, और जो नंबर चूज करेगा कितने कैरेक्टर, वो यहां से कर लेगा। जैसे यहाँ आठ है पर सात का था, तो यानी हमें नंबर कैरेक्टर चाहिए ये माइनस वन, ठीक है जी, फर्स्ट स्पेस माइनस वन। देन आपको राइट से वैल्यू चाहिए, तो राइट का लेंगे टेक्स्ट, और कितने कैरेक्टर चाहिए, तो यहां पे देखेंगे 19 में से 14 माइनस किया तो कितना हुआ, पांच हुआ, पांच ही कैरेक्टर लास्ट में थे। तो इसी तरह से मतलब लेंथ माइनस सेकंड स्पेस, ठीक है जी, सही ले गया। उसके बाद मिडल का फॉर्मूला है, मिडल का फॉर्मूला कैसे चलेगा, टेक्स्ट लिया हमने, स्टार्ट नंबर क्या होना है इसका, फर्स्ट स्पेस प्लस वन, ठीक है जी, फर्स्ट स्पेस जहां भी होगा उससे एक डिजिट आगे वहां से लेना है। और कितने करेक्टर उठाने हैं, तो यहां 14 में से आठ गए, छह होता है, यहाँ पांच कैरेक्टर है, सेकंड स्पेस माइनस फर्स्ट स्पेस, तो स्पेस भी काउंट कर रहा है ना ये, और यहाँ पांच है, तो ये क्या करेंगे हम इसमें, सेकंड स्पेस माइनस फर्स्ट स्पेस माइनस वन, ठीक है, आ गया। इस फॉर्मूला को अगर मैं ड्रैग करके देखूं अगले में फिट बैठ रहा, एकदम बैठ रहा, ठीक है जी, फिट बैठ गया ये, ऐसा भी नाम डालूं आ जा रहा है। अब मैंने क्या करना है, पहली बार अब इससे मुझे फ्री करना है, अभी क्या है कि सेल इन पे डिपेंडेंट है, ठीक है जी, तो इससे मुझे फ्री करना है। तो फ्री करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, पहले तो मैं यहाँ सेकंड स्पेस को फ्री करूँ, कि इस पे फर्स्ट स्पेस पे डिपेंडेंट ना रहे, यहाँ लिंक दिखा रहे हैं, तो जहां मैंने ये F4 एड्रेस है यूज किया है, यहां मुझे ये फॉर्मूला चाहिए,
तो ये मैंने इक्वल टू से पहले उठाया और सेकंड स्पेस में जाके एफ फोर जहाँ था वहां पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये फॉर्मूला रिजल्ट दिखा रहा है पर इस पर डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, तीनों फॉर्मूले अपने अपने अलग अलग जगह अपने आप में यूनिक होंगे। अब आपको एक शॉर्टकट दिखाता हूं बदलने का वैल्यू को। ठीक है जी, अब ये तीनों F4, A4, G4 और H4 मुझे बदलने हैं। ठीक है जी, इन फॉर्मूला तो सबसे पहले बदलते हैं F4। इक्वल टू से पहले कॉपी किया मैंने, इसको यहां पे सिलेक्ट कर लिया इन तीनों को, क्योंकि इन तीनों में कहीं ना कहीं मैंने यूज किया होगा। कंट्रोल एफ किया और रिप्लेस पे चला गया। यहां मैंने दिखाया क्या फाइंड करो, मैंने कहा एफ फोर फाइंड करो, एफ फोर यहां लिख दिया और रिप्लेस करना है इस फॉर्मूले को। ठीक है जी, रिप्लेस ऑल कर दिया, तीन रिप्लेसमेंट करी इसने। रिप्लेसमेंट कहां हुई है आप यहां देखेंगे, यहां पे अपने आप फाइंड का फॉर्मूला लग गया, यहां पे अपने आप फाइंड का फॉर्मूला लग गया, यहां पे अपने आप देखेंगे इसका लिंक खत्म हो गया कहीं भी अगर मेंशन होगा तो। ठीक है, इसी तरह से अब सेकंड स्पेस वाले को करूंगा, इक्वल टू से पहले पहले वाला कॉपी करूंगा और ये सिलेक्ट करके फाइंड रिप्लेस में चला जाऊंगा। क्या था ये जी फोर एड्रेस जो है, जी फोर रिप्लेस होना इस फॉर्मूले से, रिप्लेस ऑल, दो रिप्लेसमेंट इसने भी कर दी। तो इसमें जब आप देखेंगे यहाँ, ठीक है यहाँ यूज नहीं हुआ था, मिडल नेम में यूज हुआ था, तो आपका फॉर्मूला लंबा चौड़ा बन गया। ठीक है, ये ट्रिक है फॉर्मूला मतलब बगैर छेड़े ही उसको ठीक करने। ठीक है जी, तो उनके लिंक भी खत्म हो गए। अब लास्ट बचा लेंथ वाला, तो लेंथ वाले को मैंने इक्वल टू से पहले यहां से कॉपी किया और जहां भी एच फोर यूज हुआ होगा मुझे वहां पे पेस्ट कर देना है। लेंथ का फॉर्मूला दबा है मैंने, एच फोर यहाँ पे भी है, रिप्लेस ऑल कर दिया, सिलेक्ट करके करूंगा नहीं तो वो पूरी शीट में से कर दूंगा। ठीक है, तो आप जब आप देखेंगे तो ये फॉर्मूला अपने आप में पूरा है, ये फॉर्मूला अपने आप में पूरा है और ये फॉर्मूला अपने आप में पूरा है। यानी कि अगर मैं इसको यहाँ से डिलीट कर दू तो कोई एरर नहीं मिलेगी मुझे। ठीक है जी, फॉर्मूले अपने आप में कंप्लीट हो गए। ठीक है जी, पर बात रही यहाँ तो तीन डिजिट के थे, दो डिजिट के भी नाम डाल सकता है। अगर मैं यहाँ पे यही फॉर्मूला कॉपी करता हूं तो क्या होता है, एरर। तो एरर के लिए मैंने सिंपल बताया, जहां वैल्यू आ रही है वहां तो ठीक है, हमें डील करने है कि जहां वैल्यू नहीं आ रही वहां पे। ठीक है जी, तो यहां पे कर देंगे हम इफ एरर, दो नेम है तो मिडल नेम तो होगा नहीं, लास्ट नेम ही है, तो यहां पे कर देते हैं इफ एरर का फॉर्मूला। इफ एरर में वैल्यू में आपका ये पूरा फॉर्मूला चला जाएगा। ठीक है जी, और कभी एरर आए तो वहां ब्लैंक दिखा दे, ये टैकल हो गया। उसके बाद आपका ये वाला है, ये वाला जो है इसमें आपको चाहिए सेकंड वाली वैल्यू। ठीक है, तो इफ एरर ही लगाएंगे, पर अगर इसमें कोई एरर आती है तो फॉर्मूला कुछ और होगा। फॉर्मूला क्या होगा अगर इसमें आता है तो, राइट से वैल्यू निकालनी। ठीक है जी, टेक्स्ट चूज किया मैंने, कितने कैरेक्टर निकालने हैं तो लेंथ, टोटल लेंथ जितनी होगी। सॉरी सर, मैंने अभी दोबारा ज्वाइन करा, एक्चुअली मेरी आवाज चली गई थी, वॉल्यूम चली गई थी, तो ये अभी मेरे स्क्रीन नहीं आ रही है मेरे पे। आ जाएगी सर, थोड़ा वेट कीजिए, आ जाएगी। लेंथ मैंने राइट के अंदर डाला फॉर्मूला, पहले टेक्स्ट और जो नंबर कैरेक्टर चाहिए, लेंथ माइनस फर्स्ट स्पेस चाहिए, एक ही स्पेस है वैसे, तो लेंथ माइनस स्पेस चाहिए। तो मैं फाइंड का फंक्शन लगा देता हूं यहाँ, टेक्स्ट क्या करना है, स्पेस फाइंड करना है, किसमें करना है, इसमें करना है,
लेंथ माइनस स्पेस का फॉर्मूला लग जाएगा और ये काम कर गया। ठीक है जी, तो जब मैं इसको मान लीजिए इसको आगे ड्रैग करता हूँ, यहाँ कोई वैल्यूज आती है मेरी, क्या आ रहा है, सही आ रहा है। ठीक है जी, और अगर यहाँ तीन भी वैल्यू आती हैं तो कोई पंगा नहीं, तब भी कर सकता है। कहने का मतलब है अपना ये फॉर्मूला फिट बैठ चुका है। आगे देखते हैं कि यहाँ दो वैल्यू है तो सिंगल भी हो सकती है, किसी के सिंगल नेम ही होते हैं। अब इसमें इन दोनों में एरर दिखा रहा है। ठीक है जी, क्यों दिखा रहा है, क्योंकि उसे कुछ फाइंड नहीं हो रहा, तो हमें एरर पता है। तो इफ एरर, अगर यहाँ कोई एरर आती है तो हम कहेंगे कि यही वाली वैल्यू दिखा दीजिए। ठीक है जी, इसको सिलेक्ट कर लिया मैंने, एंटर कर दिया, ये भी टैकल हो गया। और यहाँ अगर कोई एरर आती है तो हमें पता है कोई वैल्यू नहीं है, तो फिर से इफ एरर लगा देंगे और सबसे लास्ट में ब्लैंक दे दिए। ठीक है जी, अब ये फॉर्मूला मैंने ड्रैग कर दिया। ठीक है जी, अब कुछ नहीं है तो यहाँ जीरो दिखा रहा है। ठीक है जी, अब इसको भी हटाना है मैंने, मान लीजिए कुछ नहीं है तो यहां पे मैं क्या करूंगा, बाकी सब तो ठीक है, कुछ नहीं है। यहां नॉर्मल इफ का फॉर्मूला कि इफ ये जो है इसको कॉपी कर लूंगा पूरे फॉर्मूले को जो मैंने पहले लगाया था एक एरर से लेकर, अगर ये इक्वल टू जीरो है तो क्या करें, ब्लैंक दे दे, अदरवाइज ये पूरा फॉर्मूला चल रहे थे। ठीक है जी, तो इसको ठीक है जी, तो यहाँ आपका फाइनल फॉर्मूला बन गया। ठीक है जी, ऊपर के स्टेप पे मैं इसलिए नहीं कॉपी कर रहा हूँ ताकि आप स्टेप बाय स्टेप इनका रेवोल्यूशन देख सकें। ठीक है जी, दूसरा एक और छोटा सा फंक्शन और है इसमें, जैसे हमने फाइंड का फंक्शन किया इसी तरह से सर्च का भी फंक्शन होता है। मान लीजिए मैं इसमें ए फाइंड करता हूं, फाइंड ए, ए ये करता कैपिटल ए कर देता हूं। ठीक है जी, विद इन टेक्स्ट इसके अंदर एरर दिखा रहा है, सर्च के फंक्शन में कैपिटल ए लगाता हूं। कहने का मतलब यह है फाइंड जो है केस सेंसिटिव है, तो अगर यहां स्मॉल ए है तो यहां पे भी आपको स्मॉल ए देना पड़ेगा तब फाइंड करेगा, अगर कैपिटल दे देंगे तो नहीं फाइंड करेगा। ठीक है जी, जबकि सर्च जो है केस सेंसिटिव नहीं है, बड़ा छोटा हो ए ही होना चाहिए, वो फाइंड कर देगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम इक्वल टू लगा के इसको इक्वल टू करके ये लॉजिकल कंडीशन चलाते हैं कि ये सुजीत इसके बराबर है तो ये ट्रू दिखाता है, क्योंकि ये भी केस सेंसिटिव नहीं है। मान लीजिए आपको करना है कि इसी पैटर्न में होना चाहिए, लोअर केस में ही होना चाहिए, तो हम एग्जैक्ट का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जिसमें वो दो टेक्स्ट एग्जैक्ट है कि नहीं ये बताता है, तो ये फॉल्स बताएगा केस सेंसिटिव। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास एक वैल्यू का फॉर्मूला होता है। कई बार क्या होता है, हमारी जो ये टेक्स्ट में हो जाती हैं, नंबर्स जो है टेक्स्ट में हो जाते हैं किसी तरह से। ठीक है जी, तो उनको वैल्यू में चेंज कर सकते हैं, उससे यहाँ कैलकुलेशन नहीं पॉसिबल हो जाती, हालांकि ये होगा नहीं, इसमें अपने आप ही ले लेगा। और ये मान लीजिए बन जाती है हमारी टेक्स्ट, टेक्स्ट का फॉर्मूला क्या करता है, अपना वैल्यू लिया और कस्टम नंबर फॉर्मेट हम अपना इन्वर्टेड कॉमास में लगा सकते हैं, एट द रेट कर देता हूँ। टेक्स्ट के लिए क्या था, एट द रेट, तो मैंने इसको
टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया है, और जब पेस्ट एज वैल्यूज करूंगा तो वैल्यूज जो बन चुकी हैं वो टेक्स्ट में बन चुकी हैं। ठीक है जी, अगर मैं इनको सम करने की कोशिश करता हूं तो कुछ नहीं दिखाता है क्योंकि ये वैल्यू टेक्स्ट में बन चुकी है। ठीक है जी, तो इनके लिए हमारे पास वैल्यू फॉर्मूला है जो इनको वापस वैल्यूज में कन्वर्ट कर देता है। यहां सम लगाऊंगा तो लग जाएगा। ठीक है जी, ईआरपी में इस तरह से भी कई बार डेटा हो जाता है। तो ये हो गए हमारे टेक्स्ट के फंक्शन। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे डेटा टाइप करेंगे। ठीक है सर।